Next, sixth number is firm, F-I-R-M, firm. Firm is strong willpower. कोई भी चीज करने के लिए जो हमारे strong determination होता है, strong willpower होता है, strong इच्छा शक्ति होती है कि हमको ये चीज achieve करना है. Okay, so that means firm means strong willpower. Then next is convince. माउंटेन पूरा कौन सा है? हिमालय, हिमालय
together as a team. So British government ने 1953 में जो 10 climbers arrange किया था around the world, world के हर जगह से arrange किया था. तो वो लोग ने अपना climbing start किया था और उनका उनके लिए हर 1000 2000 feet में एक एक camp का setup करा गया था. Take give them rest, उनको rest देने के लिए उनके food खाने वगैरह सब कुछ arrangement किया था. तो जो पहले जो दोनों climbers लगे top में पहुंचे थे उनको जब वो वापस जब घर पे आ गए return करे तभी journalist ने उनका interview दिया. तो उनको journalist ने questions पूछे कि आप लोग जो यहाँ पे पहुंचे ये कैसे possible हुआ, इतना height Everest बहुत height होता है, आपने पढ़ा कि it is the tallest mountain in the earth, तो इतने height वाले जो peak पे आप लोग कैसे पहुंचे. तो उनका सबका answer same था. answer क्या था, the response was the same, we reached it together as a team. हम सब साथ साथ थे इसलिए हम पहुंच गए, हम एज अ टीम वर्क उन्होंने काम किया तभी जाके उनका पॉसिबल हुआ टॉप पे पहुंचना. ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव डिस्कस्ड हियर. सो हमने क्या इसमें से क्या सीखा, तो योग पैसे एक्टिविटी सिक्स इज कंकरिंग एवरेस्ट, दैट मीन्स एवरेस्ट को जीत गए. एवरेस्ट को जीतना, कंकरिंग मीन्स टू विन. एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द अर्थ as I told you in this activity. So Everest को जो लोग peak में पहुँचे तो it's very much difficult for them, right? फिर भी वो लोग वहाँ पर पहुँचे, win किए, कैसे, as a team, teamwork उनका था, togetherness था, that's why they conquered the Everest. Okay, I hope all of you understood what I have discussed in activity 6 and the meaning of the